थैंक यू अर्चना जी. आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा अटैक जो हुए हैं वो सत्ता हथियाने के लिए हुए हैं, मतलब किसी की कुर्सी छीनने के लिए. आपको पता ही है. आप बड़ी प्यारी लग रही है अर्चना जी आज. देखा, एक बार इंसल्ट करके और फिर मेरी तारीफ कर देता है. इंसल्ट थोड़ी है, ये तो ब्रेवरी है आपकी. मेरी ब्रेवरी चलते शो में, मतलब ये थोड़ी होता है. मैं अटैक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक इस टाइटल से एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आ रही है. हाँ. और इस फिल्म की स्टार कास्ट आज हमारे साथ मौजूद है. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करता हूँ मिस्टर जॉन अब्राहम एंड रकुल प्रीत सिंह. आइए जॉन भाई, बहुत बहुत स्वागत है. रकुल, प्लीज वेलकम. कौन बोला? हाउ स्वीट. कपिल, तेरे को लगा तेरे लिए आई लड़कियां? नहीं, आज जॉन के लिए आई है. मुझे पता है, वो देखिए आप. जॉन के लिए लड़कियां खड़ी हो रही, मेरी फ्रेंच कट वाले अंकल. अपनी अपनी किस्मत है भाई साहब. नहीं नहीं कपिल, मैं हमेशा तेरे लिए आती. इसी बात का डर है मुझे बस. बहुत बहुत बधाई आपको. आपकी फिल्म के ट्रेलर के लिए मैंने देखा, बड़ा मजेदार है. रकुल को आपने कभी नोटिस किया, जब पहले हमारे शो पे आई थी ना सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, फिर अजय देवगन साहब के साथ आई, अब जॉन भाई के साथ आई, आप अकेले कहाँ जाती हूँ? मुझे वहाँ पहुँचना है. मैं मेहंदी लगा लेता हूँ, आपको पता. अच्छा तो फिर मतलब अगर आपको कहीं मेहंदी वेंदी लगानी हो तो मेरी एक्चुअली जब भी दूर के रिश्तेदार के घर में शादी होगी ना. हाँ जी, आपको वहाँ मैं काम दिला दूंगी मेहंदी का. काम दिलाऊंगी. बहुत मारा मारी आजकल, सब लोग शादी कर रहे हैं, मेहंदी वाले नहीं मिलते हैं, तो हाँ ये तो है, कहीं ना कहीं तो आपको मिली जाएगी. बड़ी प्यारी लग रही हैं आप. थैंक यू जॉन भाई, आप हमेशा की तरह हैंडसम ही लग रहे हैं. मुझे तो अभी भी लग रहा है जिम से आ रहे हो आप यार. अटैक, आप सबको बताया अटैक के बारे में, इसका नाम है अटैक पार्ट वन. भाई ये पहले से ही आपका स्कीम थी कि मैंने दो पार्ट बनाने हैं, आगे चल के तीन भी बन सकते हैं, कि फिल्म लंबी हो गई इसलिए आपने कहा कि पार्ट वन पहले रिलीज करते हैं फिर पार्ट टू बनाएंगे, ऐसा? जी एक्चुअली डायरेक्टर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट था तो उसने सोचा कि पार्ट वन लगा देते हैं क्योंकि पार्ट टू का आइडिया मुझे मिल गया है. तो जिस तरीके से पार्ट वन एंड होता है आपको पता चलेगा कि देयर इज अ पार्ट टू टू दिस. ओके, पर आप बड़े कमाल रख रहे हो भाई उसमें. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अच्छा, 1 अप्रैल को लोग अप्रैल फूल भी बनाते हैं. हमारा दिनेश तो खुद ही बैठा दिमाग लगा रहा था, कहता देखना लोग फिल्म देखने जाएंगे. हाँ. जॉन भाई ट्रेलर दिखा देंगे लोगों को और बोलेंगे कल फिर टिकट लेके आओ. ऐसा थोड़ी होता है. कभी आपको किसी ने अप्रैल फूल बनाया है? आप दोनों से मेरा ये सवाल है, या आपने किसी को बनाया हो, जो कभी कभी होता है ना कुछ चीजें याद रह जाती हैं. हाँ, कभी तो बनाया किसी मेरे ने लिए आपको? अप्रैल फूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे भाई का बर्थडे होता है. ओहो, हाँ, वो 1 अप्रैल को उसका बर्थडे होता है, तो बचपन में जब भी हम लोगों को इनवाइट करते थे उनको लगता था कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो कोई आता ही नहीं था. एक बार ऐसा भी हुआ था कि कोई आया ही नहीं, उनको लगा कि अप्रैल फूल. तो वो बेचारा बहुत रोया. मेरा 2 अप्रैल को हुआ, शुक्र है आपके भाई के बर्थडे वाले दिन नहीं हुआ. बहुत प्यारी नहीं, लग रही फिर भी वो अप्रैल वाले सारे भाई बन जाते हैं. वो प्यार ही इतना फ्लो करता है ना मेरे अंदर से, इतना प्यार फ्लो करता है कि वो क्या करे. रकुल तुम तो ऐसी नहीं थी, बदल गई हो. नहीं मैं हमेशा से ऐसी थी, आप पिछले एपिसोड्स भी देख सकते हो. नहीं रकुल थोड़ी बदल गई है. कैसे बदल गई है? क्योंकि आज जैकलीन नहीं है लेकिन इसके लाइफ में कोई जैकी है. अच्छा, ओह गॉड, दिस वाज जैकी श्रॉफ. अरे यार, हां जैकी श्रॉफ कोई है? मैंने सुना है कोई जैकी है तो पता नहीं. नो वे जैकी देन. ओके ओके, चलो लेट्स चेंज द टॉपिक. ओके, मूविंग ऑन. इस फिल्म में जॉन जो है सुपर सोल्जर बने, इन्होंने अपनी बॉडी में चिप डाली हुई है. आपको पता है अर्चना जी ने चिप्स डाले हुए हैं, आलू चिप्स, 20,000 के रोज खा जाती है. मेरे को पूछ रही थी, कहती जब जॉन आएगा तो पूछना कि इतनी अच्छी बॉडी, कभी किसी लेडी ने राह जाते आपको बोला भैया मेरा सिलेंडर उठा के घर तक छोड़ दो? पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछती है ये. देखो मैं पता था नहीं जवाब आएगा. अगर जॉन जैसा हो तो मैं भी बोलूंगी प्लीज विल यू हेल्प मी पिक अप दिस सिलेंडर. आपको जॉन भाई का एक और टैलेंट है, वो शायद आपको नहीं पता है, ये खुद बड़े अच्छे राइटर हैं, ये स्टोरी का आइडिया इन्हीं का है. जी भाई कैसे आया ख्याल इस कहानी? जी एक्चुअली लक्ष्य और मैं बैठे थे साथ में और काफी हमने रिसर्च करा उस पर कि एक्शन फिल्म बनानी है, लेकिन एक अलग किस्म की एक्शन फिल्म बनानी थी हमें, जो एक यंग ऑडियंस को जिनको वीडियो गेम्स बहुत पसंद है इनके लिए एक फिल्म बनानी थी हमें. वाओ. अच्छा इसमें आप, मैंने देखा आप अपने कमांडर का ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे. जी इसकी वजह ये तो नहीं आपके मन में आया हो कि सारा पैसा तो मेरा लगा, मैं क्यों मानूं किसी का? मैंने पूछा था ऐसे सवाल मत पूछवाया करे, पूछवाती मेरे से. अच्छा सुन,
तेरे भी कोई सवाल है? पैसे तो तू लेता है सवाल पूछने के, और सारे सवाल मेरे पूछता है। जो जो इनकी कमांडर हैं, वो जो इन्होंने चिप बताया, जैसे अगर आपकी बॉडी के अंदर एक गूगल होम हो जिससे आप बात कर सके, कि वो चिप मैंने इम्प्लांट की होती है, आई एम द साइंटिस्ट, तो उसका नाम है ईरा। जो भी आप कमांडर की आवाज सुन रहे हैं, जो आप मशीन की आवाज सुन रहे हैं, वो आप हैं? नहीं नहीं, वो मैं नहीं हूँ, मैं वो साइंटिस्ट हूँ जिन्होंने ईरा बनाई है। आपने ये जो सारी टेक्नोलॉजी वाली बात बताई, मेरे को समझ तो कुछ नहीं आया, पर ये है कि आप बोलते ही बड़ी अच्छी लग रही हैं। एक काम कर सकते हैं, ऐसी चिप बनाते हैं जिनसे इनका ब्रेन काम करना शुरू कर देता है ना। अगर हम लोग पार्ट टू बनाए, क्या कपिल को उसमें एक सुपर सोल्जर बनाए क्या? हाँ, तो मैंने कहा क्यों कपिल को क्यों, तो मेरे डायरेक्टर ने कहा कि ही इज लुकिंग वेरी फिट, वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। थैंक्स। और कुछ कॉम्प्लीमेंट दो ना। अभी मतलब भाई तो फिटनेस में होगा ही ना। किशमिश खाओगे आप? ऐसे भाई वाले वर्ड ना बंद हो जाते, किशमिश अच्छी होती है। अच्छा, जॉन का एक फिल्म में डायलॉग है ना कि हमारी जिंदगी के दो दिन जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो जब हम दुनिया में आते हैं और दूसरा जिस दिन हमें पता चल जाता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ। तो जॉन भाई, आपको कब पता चला कि आपका जन्म दुनिया में प्रोटीन शेक खत्म करने के लिए हुआ है? पर ऐसी ऐसी सीरियस बातें कभी आप सोचते हो कि यार ऐसा क्यों हुआ होगा हमारा जन्म, ऐसा सोचते हो आप कभी? हाँ, सोचा मैंने, मम्मी डैडी से पूछा भी मैंने। तो मुझे सही जवाब नहीं मिला एक्चुअली। अच्छा, कुछ अजीब सा जवाब, क्योंकि वो जनरेशन अलग है ना, तो You know. नहीं, लड़कियों को, सारे इंडिया के जो लड़कियां हैं उन सबको मालूम है आपका जन्म किस लिए हुआ। रकुल, आपने कभी इस गंभीर विषय पे कभी विचार किया है कभी? कि मेरा जन्म क्यों हुआ? हाँ, मतलब ऐसा कभी सोचा आपने ऐसा? शायद आपको सताने के लिए। सताती रहो, अच्छा लगता है। नहीं, बार बार कपिल शो पे आने के लिए। How sweet. फिर बहुत अटैक बहुत वन, फिर अटैक टू, फिर थ्री, ऐसे लेकर आएंगे हम बार बार। So, अब वक्त है इस फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम लक्ष्य राज अनंत। बीच बीच में जब भी टाइम लगता वर्कआउट कर ही लेते हैं, कभी मेरे को उठा दिया तो। लक्ष्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बड़ी यार कम उम्र में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। डायरेक्टर लग रहा है कि मतलब स्टूडेंट लग रहा है। मुझे लग रहा है अभी इनका छोटा भाई आया, डायरेक्टर बाद में आएगा। लक्ष्य, बहुत बहुत मुबारक आपको, आप हमारे शो पे आए हैं। आज वैसे घर वालों ने नींबू मिर्ची तो लगाई होगी कि लड़के ने पहली फिल्म बनाई इतनी मजेदार, जॉन अब्राहम, रकुल, जैकलिन, और ऊपर से सीधा कपिल शर्मा शो में, मतलब होता तो है ही प्राउड। Actually, more than tickets for the movie, you've made my father's dream come true. He's sitting in the audience today also. Oh, really? And he's come, Dad. Hi, oh. Hi, namaste. And more than 1st April, he's waited for right now to shoot. Are wow, yeah. Director khud bhi chota sa, pita ji bhi chote se rakhe hue hain. Wow. I mean, wow. So, ye film mein casting kaise hui? Aapne inko cast kiya, inhone aapko as a director cast kiya. Kaise, kaise, kahani kaise shuru hui? Inhone cast kiya, obviously. Achha. All right. हम एक्चुअली मिले थे न्यूयॉर्क के सेट्स पे, मेरी पहली पिक्चर थी एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा, न्यूयॉर्क तो मैंने देखी, बड़ी मजेदार फिल्म थी। हाँ, उस समय आई आल्सो रिमेम्बर कि एक सीन में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होता है ना, जॉन मैनहोल से निकल रहे थे एंड हिज शूज वर डर्टी, सो एवरी टाइम यू हैव टू रीसेट, एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट आई वाज क्लीनिंग हिज शूज। अच्छा, ऑलराइट, एंड जॉन नोटिस्ड इट सो हम्बली, यू नो दैट ही वाज लाइक, नो नो यू डोंट, आई विल डू इट मायसेल्फ, ऑलराइट, बट ही इज लाइक, लक्ष्य, यू हैव अ हॉक आई। कितना अच्छा लगता है यार, है ना, मतलब आपने, वाओ, उस समय आपके दिमाग में आया था ऐसा कि कभी मैं जॉन को कास्ट करूंगा, मैं खुद डायरेक्टर होऊंगा? उस समय सोचा ही तो होगा ही वैसे कि नहीं, सोचता है आदमी तभी कर पाता है। या आई मीन, हम जब बैठे थे और आइडिया आया था सुपर सोल्जर का, हु बेटर देन जॉन टू प्ले अ सुपर सोल्जर ऑफ द कंट्री, यू नो,
And so super soldier hai hamare paas, scientist hai hamare paas. Both are the best and we made India's first super soldier from that. Wow. Achha, as a young director, aapki film mein jaise Rakul hai, Jacqueline hai, man nahi bhatakta ki? ki tujhko dekhun ke kaam karun, aisa hota hai? Bilkul nahi. John ne bahut achhi discipline di hai. ki no matter what, don't go after any heroine. From experience, huh? Are you talking from your own experience, Laksh? Are you talking from your own experience? He's talking from experience. I told Laksh ke Laksh, jabhi tum kaam kar rahe ho na, apne kaam pe dhyan dena. Jaise ghoda race mein bhagta hai, wo ye blinders pehen ke bhagta hai. Sirf apne manzil ki taraf dekhna, left mat dekhna, right mat dekhna. Bas, apne Laksh ki taraf dekhna. Tum seedha dekho, idhar udhar main dekh lunga. ये जो फिल्म की स्टोरी है जैसे आइडिया जॉन भाई भी और आप सबने मिलके दोनों ने आपने क्रिएट किया है इसमें जो रोमांटिक सीन है वो आपने अपनी मर्जी से लिखे हैं कि इन्होंने डॉले दिखा के जबरदस्ती लिखवाए नहीं नहीं वो हमने लिखे थे अच्छे से और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी जैकलिन और जॉन की उस समय सो दे आर वेरी प्रोफेशनल एक्टर्स की उन्हें छोड़ दो सीन समझा दो और फिर वो अपने आप ही ले लेते हैं यू नो फॉरवर्ड काफी इम्प्रॉम्प्टू हुआ उसमें yeah. ये जो चीजी लाइंस है ना जैसे जैकलिन बोलती है कि आप प्लीज अपने सीट पे बैठ जाइए टर्बुलेंस हो रहा है और मैंने उनको कहा कि और मेरे दिल में जो टर्बुलेंस हो रहा है उसका क्या ये आपके दिल से निकला होगा वैसे ये एक्सपीरियंस हुआ है एक्सपीरियंस तो नहीं हमने दोस्ती दोस्ती में फिल्म बनाई यू नो सो वी मेड द सेट वेरी कंफर्टेबल एंड ऑल ऑफ अस हैव बिकम गुड फ्रेंड्स थ्रू द होल फिल्म वो फिर And, फिर दिखता भी है yeah, exactly. दोस्ती में हम जब फिल्म कोविड से पहले फिल्म शूट कर रहे थे पहला कोविड जब नहीं आया था जब कोविड था भी नहीं एंड आई थिंक कितना 20 डेज फॉर लेफ्ट ऑलमोस्ट 20 डेज बचे थे खाली फिल्म के और कोविड हो गया तो उसके बाद एक्चुअली वी गॉट लॉन्ग बेटर एज फ्रेंड्स मी एंड लक्ष स्पेशली बीइंग नेबर्स की अब क्या अपनी फिल्म कब शुरू होगी अब हम कब करेंगे अब कब खत्म होगी सो Since then, that journey has been very, very friendly. और बोलो कुछ अच्छा लग रहा है बोलो एक काम करती हूँ मैं ही होस्ट कर लेती हूँ आप यहाँ बैठ जाओ मैं वहाँ बैठ जाती हूँ छोटी बोल दो पैसे भी मुझे दे दो और छोटी एबीसी सुनाओ ना छोटी एबीसी छोटी बड़ी प्यारी लग रही है पता नहीं यार आज छठी सातवीं बार बोला है तो अब लगी रही हो तो देखिए झूठ नहीं बोलना चाहिए मान लेती हूं क्योंकि आपने इतनी बार बोल दिया नहीं तो मुझे लगा अभी तक तो टीआरपी के लिए बोल रहे थे अब मैं मान लेती हूं थैंक यू बड़ा अच्छा मतलब मैं दिल में नहीं रखनी चाहिए बात क्यों भाई बोल देनी चाहिए ईश्वर की कृपा है बोलना चाहिए जो हम ये रकुल जी लक्ष्य जी क्या बात है यार एक मिनट है क्या हुआ ये क्या हो रहा है अरे इनकी फिल्म आ रही है अटैक मैं प्रमोट कर रहा हूँ उनकी फिल्म हार्ट अटैक वाली नहीं है एक्शन फिल्म है अटैक यार देखो यार उनकी बॉडी है तो ये वाला अटैक जो है ये इन्हें सूट करता है मेरे पास ले देके फैट है पूरा यही वाला अटैक अच्छा उनकी अटैक फिल्म आ रही तो अटैक कर रहे हो कल को कोई फिल्म आए फायर तो पजामे में आग लगा के आ जाओगे ये मतलब क्या तरीका हुआ वो यार जो लोग पैदाइश हॉट होते हैं ना हाँ उन्हें अच्छा। एक्सटर्नल आग की जरूरत नहीं पड़ती ये बात जो है ये हम सब समझेंगे यू वोंट अंडरस्टैंड नहीं जॉन जी ठीक है ना सब कुछ अच्छा देख आप लक्ष्य की तरफ रहे हैं बात आप जॉन से कर रहे हैं ये क्या तरीका है नहीं नहीं मेरी टीचर ने मुझसे कहा था क्या कि लक्ष्य से नजरें कभी हटाना नहीं कल आई वाज सीट हियर हाँ बैठोगे ही आप ढीठ तो हो या आइए तो जॉन जी जी क्या लेंगे आप जॉन जी प्रोटीन के पकोड़े विटामिन के समोसे मिनरल्स के गुलाब जामुन ये सब कहाँ आता है ये सब इनके मन में आता है तभी इतना मसल्स इनके तन में आता है
मेरे मन में सिर्फ आलू आता है, इसलिए मैं सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खाता है। ओ हो हो, राकुल मिला तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन। जी, थैंक यू। मैं, यू आर सो प्रिटी। और मैं सच बताऊं, आपकी और जैकी की जोड़ी, नहीं ट्रेलर में मैंने देखा, जैकी जैकलीन। जैकलीन। अच्छा। जैकलीन। जैकी। नहीं नहीं, आपकी और जैकी की फिल्म के ट्रेलर में जैकलीन जो है, यार से जैकी कहते हैं, तो आपकी और जैकी की जोड़ी बड़ी कमाल की है। मैं खाली आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, कभी ऐसा हुआ क्या कि फिल्म के शूटिंग के दौरान लक्ष्य जी ने आपको और जैकी जी को पैकअप कह दिया हो, जैकलीन जी और आपका पैकअप हो गया, फिर अचानक से ये दौड़ते हुए आए और आपसे कहा नहीं 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 पैकअप नहीं हुआ है, एक सीन और बाकी है, इसलिए रकुल और जैकी भागनानी। लकीली ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि जैकी और मेरी साथ में शूटिंग ही नहीं हुई। ओह, तो किसी को भागना नहीं था। देखिए यार, मुलाकात आपके साथ मेरी पहली हो रही है, एक तारुफ करा दो यार शर्मा, अच्छी तरह तारुफ कराओ। ओ लेबनान की चुड़ैल, तुम्हारा तारुफ नहीं कराया तो इधर आके बैठ गए, तारुफ कराया तो सर पे बैठ जाओगे आप। अच्छा, आप आए क्यों हो? इंसान क्यों आता है, इसका जवाब हम बाद में ढूंढेंगे, अभी मैं बताता हूँ मैं क्यों आया हूँ। रकुल जी, मैंने फिल्म के ट्रेलर में देखा आप जॉन जी के यहाँ कहीं कुछ चिप लगाती हैं और ये सुपर हीरो बन जाते हैं जी, एंड देन यू कंट्रोल। करेक्ट। तो मैं चाहूंगा कि ऐसी एक चिप मुझे भी लगाइए ना। एक्चुअली जब मैं इनको चिप लगाती हूँ तो ये सुपर सोल्जर बन जाते हैं, पर मैं आपको चिप लगाऊंगी तो आप क्या बनोगे? ये बैल बन जाएंगे, बैल। वो नहीं लगाएगी कोई चिप आपको, क्यों लगाएगी? I don't put chips on cheap people. Oh. I'm not cheap. ठीक है, आप अगर मुझे चिप नहीं लगाना चाहती हैं, आप मेरे गले में पट्टा लगा दीजिए। I want to be controlled. Yeah. एक काम करते हैं, अर्चना जी पट्टा लगा के उधर दे देती हूँ, आप कंट्रोल कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, यू कैन इवन ट्रीट मी लाइक अ डॉग, नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे अगले जन्म में कुत्ता ही बनना है। क्यों बनना है आपको? कुत्ते की लाइफ कमाल की है। कमाल की लाइफ है, कोई टेंशन नहीं है कुत्ते को। अब सच में जाके देखिए, कुत्ता गाड़ी के पीछे दौड़ता है जबकि कोई गाड़ी लेनी भी नहीं है नहीं उसे, पर वो खुश है, बहुत बहुत खुश है। इंसान को देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्या वो खुश है? नहीं। हम इंसान अपने बाथरूम में महंगी महंगी टाइल लगाते हैं, महंगा कमोड लगाते हैं, महंगा जेट स्प्रे लगाते हैं, पर सुकून नहीं है। वो आप कुत्ते को देखिए, टायर दिखा, कोई खंबा दिखा, सुकून। ओ वकील साहब, ये फालतू बातें करने हैं आप यहाँ पे? नहीं, ये तो मेरी शुरुआत है, इससे काफी फालतू है मेरे पास। आप कहें तो मैं वो भी पेश कर दूँ। हाँ, बातों बातों में बोलना ही भूल गया, आप बड़ी प्यारी लग रही हो बाकी। ये हमने इसीलिए आपके पास बिठाया, आपको नजर न लगे। अब इस माहौल को मद्देनजर रखते हुए, इफ यू डोंट माइंड जी, मैं आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। इरशाद। इरशाद अर्ज किया है, इधर करो थोड़ा। प्यार का समंदर, प्यार, 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 प्यार का समंदर इतना भर दो कि उसमें मेरे दिल का टाइटैनिक सिंक हो जाए। प्यार का समंदर इतना भर दो कि उसमें मेरे दिल का टाइटैनिक सिंक हो जाए। बन जाओ तुम आधार कार्ड, मैं बनता हूं पैन कार्ड, आओ लिंक हो जाए। This is the most easiest. इतने डंडे मारो इनको कि इनके दोनों तबले पिंक हो जाएं। शर्म नहीं आती आपको? चलिए निकलिए यहाँ से। मेरे तबलों का, मेहमानों का, मेरे तबलों का कलर मैं डिसाइड करूंगा। एनीवेज, मैं रोहन मल्होत्रा जी का मैसेज तो आपको देना ही भूल गया। कौन? एक है रोहन मल्होत्रा जी, उन्होंने एक मैसेज भेजा है कि इस महीने की 18 तारीख को आपको राजू बैंक्वेट हॉल में एज वो आना है।
चीफ गेस्ट नहीं, एज दूल्हा। अच्छा, आपकी शादी पक्की कर दी गई है, दूल्हा मान गया है। अच्छा, कौन है दूल्हा? Let's attack this दूल्हा भी। वाह वकील साहब, कैसा कूल है जैसे मुंह वाला दूल्हा। कोई नहीं भाई, देखिए ये बातें बाद में भी हो सकती है, we'll talk about it. Yeah, yeah, yeah. देखिए लेकिन अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है, आपसे फिर मुलाकात होगी लक्ष्य जी, pleasure meeting you. Thank you, brother. चलिए मिलते हैं, ओके टेक केयर, थैंक यू, सुपर्ब, धन्यवाद। फैंटास्टिक डांस करती हुई बड़ी प्यारी लग रही थी आप। हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ जॉन को देख रहे थे, तू सिर्फ रकुल को देख रहा था। आइए एक हमने नया सेगमेंट शुरू किया है, हम जो जो जनता जनार्दन होती है, जो आपकी पिक्चर्स के नीचे बड़े फनी कमेंट्स करते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं कि आपकी फोटोज के नीचे क्या क्या कमेंट्स करते हैं लोग, दिखाइए जरा। ओ वाह, ये जॉन ने फोटो टू डेज टू गो ब्रेकफास्ट एंड द बॉयज। वाह, ये ऐसे ब्रेकफास्ट मैंने कभी नहीं देखा किसी को करते हुए। नहीं, वरुण और मेरा जो रूम था वो साइड बाय साइड था। अच्छा, और हमेशा मतलब हम लोग साथ में शूट कर रहे थे, तो नहाने के बाद मैं निकल के उसके रूम में जाता हूँ। अच्छा। या वो नहाने के बाद मेरे रूम में आता है तौलिये में। अच्छा, तो हम लोग बैठ के हम लोग साथ में खाना खा रहे। जॉन को देखकर लग रहा है कि खाने के चक्कर में ये टॉवल बांधना भी भूल गए। सर इतना खाना ऑर्डर कर लिया, एक बार बिल चेक कर लो, कहीं टॉवल भी ना उतारना पड़ जाए। फोटो से ज्यादा ध्यान तौलिए पे देना, अगर खुल गया तो पिक्चर लीक हो जाए। वेरी गुड कमेंट, वेरी वेरी इनोवेटिव यार। दिखाइए और दिखाइए। हल्दी दूध इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, विंक वाला इमोजी, डोले एंड ऑफ कोर्स ए सेवियर फ्रॉम कोल्ड, फ्रॉम कोल्ड ग्रैंड मदर्स किचन, कोकोनट हैशटैग, कोकोनट मिल्क वर्जन, अपनी हैशटैग बनाती लड़कियां, पता नहीं हैशटैग नो फिल्टर। बड़ी प्यारी लग रही है फोटो में। कमेंट्स दिखाइए जरा। आप तो इतनी हॉट हो, आपको कहां ठंड लगेगी। राकुल, ये कपिल ने लिखा है, ये लाइन कपिल ने लिखी। मैं लिखता नहीं, मैं मुंह पे बोल देता हूँ। वो देख दिख रहा है, इतने में बिलीव नहीं करते हैं। समझ नहीं आ रहा है ये दूध का झाग है या नाक बह रही। ओहो, और दिखाइए। हाथ पीले करवाने की उम्र में कहां नाक पीली करवा रही। वाओ, मेम, मेम लिखा है, मेम। आज पहली बार देखा है नाक से पीता हुआ, एक बार मैंने ट्राई किया, मेरी नाक में मलाई फंस गई। जिस कारण मैं बेहोश हो गया था। बाप रे, बड़ी ट्रेजेडी हुई इनकी लाइफ में, किसी को बता भी नहीं सकता कैसे बेहोश हुए। और दिखाइए कमेंट्स। जॉन अब्राहम 2020, आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। When John sees a newly opened gym, John be like, driving test pass कर लिया, अब मैं taxi भी चला सकता हूँ। When you suddenly got the news कि तुम्हारी फिल्म में नोरा फतेह का आइटम सॉन्ग होगा। John भाई हाथ छोड़ के कार चला रहे हो ये कि कोई टो करके ले जा रहा है। लगता है गाड़ी का हॉर्न खराब हो गया, इसलिए John मुंह से हॉर्न मारते हुए। और दिखाइए। सम मोमेंट्स आर प्योर जॉय, थ्रो बैक हैशटैग नेचर लवर, जॉयज ऑफ लाइफ। वाह, दिखाइए जरा। रकुल, वेयर इज दिस? दिस वाज सिंगापुर। आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे उसको तैरना आपने सिखाया हो। लड़की अकेले घंटों बात कर सकती है, ये तो फिर भी डॉल्फिन के साथ है। डॉल्फिन भी लाइक, हंसती रहोगी या कुछ खिलाओगी।
कितनी प्यारी लग रही है डॉल्फिन. डॉल्फिन वैसे बड़ी फ्रेंडली होती ना. वेरी वेरी बहुत. सेम पोज आप मगरमच्छ के आगे करके दिखाओ तो जान. अटैक चैलेंज. आगे. ओहो ये ओरिजिनल गन है. या तो ये कौन है जो आपको चलाना सिखा रहे हैं? रियाज भाई हमारे एक्शन स्टंटमैन है. ओके ओके. बहुत सालों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है. खाली लड़कियां ही हैशटैग नहीं लगाती. हाँ. वो किसी लड़की ने लगाया था मेरे लिए. देखा लड़के बेचारे कहाँ हैशटैग पता है. कमेंट्स दिखाई जरा. लक्ष्य बी लाइक ये सीखने के बाद तो पक्का सारे एक्टर की डेट मिल जाएगी. भाई ऐसी गन जॉन पर ही अच्छी लगती है. इन पर तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी वेल्डिंग करेंगे. लक्ष्य भी लाइक अंकल बस एक बार हाथ लगा लूं. और डूइंग व्हाट आई डू बेस्ट ऑन माय फेवरेट प्लेस. हैशटैग एक्शन हैशटैग बाइक्स. दिखाइए जरा कमेंट. जॉन हाउ मेनी बाइक्स डू यू हैव बाय नाउ? 18. अब ये बोलेंगे किराए पे क्यों नहीं देते तुम इतने. ये सब मत पूछा करो. जॉन भाई ये छतरी वाला भी आपके साथ ही दौड़ेगा. जॉन भी लाइक बिना हेलमेट के नहीं जाऊंगा. एक बार चलान कट चुका है. गाड़ी टो करने वाले उठाएं तो ऐसे हाथ जोड़ने का काम हो जाता है. वाह जॉन की तो बाइक ने भी बॉडी बनाई हुई है. और दिखाइए. Nice. Crush it like a hashtag girl boss. Wow. Emoji फिर आ गया भाई. ये आपका पक्का इमोजी है. मैंने देखा है यार है ना. हाँ ये मेरा फेवरेट इमोजी है. बहुत अच्छी फोटो है. आज से कपिल का भी फेवरेट हो गया. अच्छा जी आज मैं ध्यान ज्यादा दूर बैठती ना आप बड़ा कमाल. आप बड़ी मेशे प्यारी लगती पर आज हेयर स्टाइल भी बड़ा मजेदार लग रहा है. हाय आज रकुल नाउ यू हैव कंपटीशन. माय फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू कपिल. मैंने 6 बार दे दिया. इधर तो बात बनने नहीं वाली. दिखाइए जरा कमेंट्स. लड़कों को तो पोज ही नहीं आते करने. लड़कियों को कितने पोज आते हैं. सस्ते कपड़े ऐसे ही होते हैं. एक धुलाई में छोटे हो जाते हैं. अगर आप टाई का कपड़ा थोड़ा छोटा करवा लेती तो आपकी फुल पैंट भी बन सकती थी. व्हेन यू आर टेलर लर्न फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस. मैंने भी ऐसे ही अपनी 5th क्लास की पैंट 12th तक चलाई थी. अच्छा हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स हैं जैसे अक्षय पाजी हो गए या जिन्होंने ब्लैक बेल्ट है ताइक्वांडो कराटे में. हमने सुना है कि इनके पास ब्लू बेल्ट है. ये मतलब ऐसे लेवल क्रॉस करके ऐसे अलग अलग कलर मिलते कि आपने बोला ब्लैक बहुत हो गया कुछ ब्लू में दिखाओ. नहीं नहीं लेवल क्रॉस करते मैं वहां तक पहुंची नहीं थी. तो ब्लू बेल्ट मिली आपको. जी क्या आया था दिमाग में आपके कि मैं कराटे. कुछ भी नहीं आया था मेरे दिमाग में. मेरे पेरेंट्स के दिमाग में आता था. अच्छा। आज कराटे के लिए भेज दो फिर कल हॉर्स राइडिंग के लिए भेज दो फिर टेनिस के लिए भेज दो फिर गोल्फ के लिए भेज दो. बड़े अच्छे पेरेंट. हमारे पेरेंट दही लेने भेज देते थे. कराटे भेज रहे हैं घुड़सवारी. दही लेने. जॉन भाई आप तो ऐसे भी हाथ करते हो तो आपके डोले ऐसे हो जाते. कभी ऐसा किया आप वैसे ही शोरूम में ट्राई कर रहे हो टी शर्ट और ऐसे करके फट गई हो. शर्ट फट गई है 2 बार. क्योंकि क्या है ना बॉडी का साइज एक होता है लेकिन ये जो साइज है वो थोड़ा तो ये 42 होता है लेकिन ये 44 होता है वो साइज. तो हिंदुस्तान में आम आदमी की इतनी टांगे होती हैं जितनी इनकी होती है. यार एक मिनट माइक लीजिए पहले आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई. I have a challenge for John. John, I know him. I did his first ad with him, the bike ad, if you remember. Yeah. Shamin Desai. Ali. Yes. Yeah. He knows me since a long time. So I have a challenge for him. And. And Ali बहुत ही fit है. He's supremely fit. मैं एक challenge है John के लिए. मैं super rep मारूंगा. I mean triple push-ups. I want to see if he can do it as many as I can do. If he wins, I'll bow down on his legs. हैं? Okay. I'll show you this thing and then we will start on the countdown. Can you hold this? Yes. Sone ki ghadi Ali? It's a fake Invicta.
Fake Invicta. Fake. It's so sweet. No, he's saying it's fake. As in, Allah ne de diya, as in original. Arey yaar, kya baat hai? Kitne honest aadmi hai. Haan, aap mujhe batao, because I really don't know what your... Haan, time. Timer kaun kar raha hai? Main sir, ye sab cheeze nahi karta. Achha, 30 seconds mein kitne... I'll count. John, wait, 30 seconds, 30, 29, 28. 28, 7, 6, 5, 4. 2, 20 seconds. I've got a smartwatch on. How many? 15, 16, 17, 18. Come on, 19. Come on, 20. Come on, 21. 22. Come on, Ali. 24, 25. Come on. 26. Continue. 27, 28, 29, 30. 30. Okay. Red, huh? 1, 2, 3, 4, 5. Kapil, you won't do? Yeah. Of course he'll do. I think you should also do. Rakul, you have asked. Kapil. Attack part 2. Oh. Super soldier. Super soldier. If you do it, I'll put a chip in your mouth. Are you sure? I'm very sure. एक कुछ सवाल है भाई, कुछ बच्चों के सवाल है. कोई अगर आपको कहे कि मैं 10,000 रुपया दूंगा आपको, आपको 2 पीस गुलाब जामुन खाने हैं, तो खा लोगे आप? नहीं. 50,000? नहीं. 1 करोड़? एक करोड़ रुपए तो खा लेंगे. उसके आगे कुछ है? 2 करोड़. नहीं, बट वाह यार, हम तो फ्री में खा ले. Don't you like gulab jamun at all, John? You don't like? My favorite is that wo kaju katri barfi. Ah. Ha. It's been, I think, more than 25 years. Are you serious? Why deprive yourself of these joys? नहीं नहीं भाई, वो discipline बहुत जरूरी चीज होता है. Wow. तो ये बच्चों का एक और सवाल था कि जहाज की छत के ऊपर खड़े होके यात्रा करनी है, 5 करोड़. जी, अगर मुझे कोई फिल्म में ये ऐसे एक मौका दे, मैं करूंगा, फ्री में करूंगा. वाह, कर भी सकते हैं कोई. रकुल, आपको कोई 200 करोड़ रुपया दे दे और बोले कुछ नहीं करना, घर बैठना है सिर्फ, आप करोगी? नहीं. शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू. वो 200 करोड़ लेके मुझे दे देना, आप काम पे चले जाना. लक्ष्य, आपसे कोई कहे मैं आपको 100 करोड़ रुपया देता हूँ तो आप डायरेक्शन छोड़ के लाल किले के बाहर चड्डी बनियान बेचो, आप बेचो. ऐसे वैसे कोई क्यों कहेगा? Exactly. Sorry. I'll take it. अच्छा, आपसे कोई कहे कि मैं आपको पैसे दूंगा, ये कुर्सी छोड़ दो, कितने पैसे लोगे आप? भाई, जब मुझे उतने ही पैसे इस कुर्सी को ना छोड़ने के मिल रहे हैं तो मैं कुर्सी क्यों छोड़ू? देखा? कब है ये देहरादून की, दिखती है पंजाबन है, दिमाग इनका गुजराती है. हे भगवान. जी भाई, कुछ बोल दो. जी, मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा. इन्होंने सोच लिया कि पैसे वैसे तो ये देने वाले नहीं है, फालतू में सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं अपना डिसिप्लिन क्यों खराब करूं? नहीं, मैं 5 मिनट बाद बोल दे मैं नहीं खाऊंगा गुलाब जामुन. अफवाहें या कुछ आपके बारे में जॉन, ये अफवाह है कि आपका एक साइड बिजनेस भी है. हाँ. जिसमें आप सस्ती बाइक खरीद के थोड़ा टाइम चलाते हैं और फिर जॉन अब्राहम बाइक ऑन सेल की बात फैला के महंगे दाम पे बेच देते हैं. एक्चुअली एक बात बोलूं आपको? जी. तो मेरी बाइक सस्ती नहीं होती है, लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि मैं बाइक ज्यादा नहीं चलाता हूँ, लेकिन जब भी लोग आके मुझसे बाइक खरीदते हैं या ऑफर करते हैं तो वो एक थोड़े प्रीमियम में जाता है. ऑब्वियसली. यस. क्योंकि मैं जिस तरीके से मैं बाइक को मेंटेन रखता हूँ और सब कुछ, आई डोंट थिंक ज्यादा लोग रख सकते हैं. हाँ, मेक्स सेंस. आप भी अपना ट्रक बेच दो अर्चना जी.
ये अफवाह, ये तो मैं भी अफवाह ही मान रहा हूँ, पर पता नहीं आप बता सकते हैं। हाँ जी। अफवाह ये कि एक बार आप रेस्टोरेंट में 64 चपातियां खा गए, फिर सर्व करने वाले ने आपको बोला सर जी चावल भी हैं। सही बात है, जब भी मैं 64 चपातियां आप खा गए। फुटबॉल मैच के बाद मैं एक गुजराती थाली रेस्टोरेंट में गया था, और इसलिए गया था कि वी वर यंग, और उस टाइम पे वो अनलिमिटेड थाली, वो पूरा मुझे वसूली करना था पैसे का, तो मैं गया अंदर और वो रोटली का साइज इतना ही था। अच्छा, इतना तो ये 64 मैंने वैसे ही खा लिए, तो वो सर्वर ने आके मुझे बोला ए भाई चावल भी है। मैंने बोला तू पहले रोटली तो खिला, और वो खाने के बाद मैंने चावल भी खाया, तो आई एंजॉयड। देखो अर्चना, दिमाग में ऑनेस्टली मैं बहुत ही सच में मैं बहुत मिडिल क्लास हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो पैसे देता हूँ ना उसका मेरे को वसूली करना ही करना है, फुल वसूली करना है। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो जब भी मैं गाड़ी भी लेता हूँ, गाड़ी में पहले मैं पेट्रोल डालता हूँ, जो उसका दाम बहुत बढ़ गया है, लेकिन मैं पेट्रोल डालता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर चलाता हूँ, उसके बाद वापस पेट्रोल डालता हूँ, उसके बाद मैं माइलेज चेक करता हूँ गाड़ी का। अच्छा। उसके बाद मैं डीलर को फोन करता हूँ और बोलता हूँ तुमने बोला 10, ये मुझे 7 दे रहा है, क्यों? एक आपके बारे में अफवाह है कि आपको पढ़ने का इतना शौक है कि जब आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रही होती तो खाली टाइम में रेस्टोरेंट के मेन्यू मंगवा के पढ़ती रहती हैं। मतलब आई लव डूइंग दैट। सो आई विल टेल यू, तू खा तो सकते नहीं, तो देख देख के आई फील की वाओ आई हैव ईटन दिस, वाओ। एंड या सो समटाइम्स व्हेन आई एम क्रेविंग समथिंग आई जस्ट रीड इट एंड आई बिलीव दैट आई हैव ईटन इट। तो अभी ये मेन्यू पढ़ती है ना, मैं उसके साइड में वो प्राइस पढ़ता हूँ कि ये इतना महंगा क्यों है। ये अगर सैलेड है, सैलेड है तो पत्ते है, पत्ते का प्राइस इतना क्यों है? क्योंकि लोग फैंसी वैंसी जाके उधर बैठ के हेलो ऐसे 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 करते, तो उसका प्राइस क्यों मेरे समझ में नहीं आता है। तो मैं देखता हूँ ये सब चीजें, मैं देखता हूँ। ये बात से ना मुझे मेरे प्रोड्यूसर ये अरे हमारे तो कॉलेज के दिनों की याद आ गई, जब जाते थे ना तो हम ये आइटम नहीं पढ़ते थे। हाँ, रेट से देखते थे, क्या है 30 रुपए ये मंगवा लो, ये क्या है, फिर पता चलता था लस्सी। अच्छा चलो आइए। लक्ष्य, आपके बारे में अफवाह है कि आपका बर्थडे जो है 26 जनवरी को होता है। अफवाह नहीं, ये नहीं आगे है, 26 जनवरी को आपका बर्थडे होता है, लेकिन आप 25 को ही मना लेते हैं क्योंकि अगले दिन ड्राई डे होता है। ये ट्रू है, ये सच है, ये सच है, सब जानते हैं। लक्ष्य कितना है ना, ऐसे बच्चे मॉनिटर होते हैं क्लास में, ऐसे लोगों के फिजिक्स में बड़े नंबर आते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे को लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई में बड़ा होशियार रहा होगा लक्ष्य। लक्ष्य आप थे होशियार पढ़ाई में? वो पापा से पूछ लो अभी। पिताजी लक्ष्य के बारे में कुछ प्रकाश डालें। नहीं नहीं, माइक माइक दे दीजिए सर को। सर बहुत बहुत स्वागत है जी आपका, मुबारक हो आपका बेटा डायरेक्टर बन गया। थैंक यू थैंक यू। अब नौकरी भी लगवा दीजिए। सर कैसे थे लक्ष्य पढ़ाई में? लक्ष्य पढ़ाई में कंपटीशन करता था अपने बड़े भाई से। अच्छा। वो अभी अमेरिका में है, इज ए कंप्यूटर इंजीनियर। लक्ष्य एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के लिए गया था अमेरिका। अच्छा जी। सो ये क्या होता है? अब ये ये भी नहीं मालूम। अच्छा जी, तो जब इन्होंने पहली बार कहा कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है, आपका क्या रिएक्शन था फिर? वो हम सोचे थे कि ये जाके 15 दिन में वापिस आ जाएगा। यार ये होता है माता पिता का कॉन्फिडेंस ना, आ जाएगा वापिस। फिर जब इन्होंने अब फिल्म बना ली है, अब और अब 15 दिन में ही जॉन सर के साथ और कबीर खान साहब के साथ ये अमेरिका चले गए, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के लिए। तो उसके बाद तो फिर पीछे पीछे देखते रह गए हम। आपको कुछ गिफ्ट लेके दिया लक्ष्य ने भी फिल्म आ गई है इसकी? सारा इनका जो कुछ होता है सब मेरे पास ही रहा। तो आप, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ओहो प्रभु, फिर तो ठीक है, ठीक है। बट द गिफ्ट इज टुडे दैट I've got him to Kapil Sharma. How sweet. Welcome, sir. बहुत बहुत स्वागत। चलिए जी कपिल, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और मैंने अपने टीम से भी कहा, मैंने लक्ष्य से भी कहा, हम लोग फिल्म प्रमोशंस के लिए आते हैं, और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रमोशन का फिल्म तभी होता है जब भी फिल्म अच्छी होती है। एक्चुअली करेक्ट। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इस शो में इसलिए आते हैं, एटलीस्ट आई कम फॉर दिस शो इज बिकॉज ऑफ यू। हमें अच्छा लगता है तो आप हमेशा ये बोलते हो और बड़ा प्यार देते हैं हमेशा ही, ऐसा नहीं कि कैमरे के पीछे, वैसे भी
दिल से प्यार करते हैं. लव यू भाई. थैंक यू. आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इस बात पे मैं अग्री करूंगी. चलो किसी बात पे तो अग्री हुई. जी, आप बहुत अच्छा शो होस्ट करते हैं. और आप बहुत प्यारी हैं. हैं? और क्या? नहीं, इस गाने से आप बहुत प्यारी हैं. अब बोलिए और कुछ बोलिए. नहीं, वैसे बात तो ठीक है, लग तो प्यारी रही हो ऐसे में. हमने 3 महीने लगा के ये प्लान किए चीज, जैसे फिल्म में जॉन के ऊपर अटैक हो रहे हैं, हमने एक गेम बनाई है. उसमें क्या है, इन्होंने बड़े बम गोलियां चलाए ना आपके ऊपर, आज इनको हम वेलक्रो जैकेट पहनाएंगे और आप दोनों ने अटैक करना है और आप उसमें रहेंगे. वो क्या होता है, वो रिंग जो, तो देखना है आप कितना अपने आप को बचा पाते हो. लक्ष्य लेके आइए फटाफट. सो ये टाइमर लगा हुआ है, 1 मिनट में मारेंगे, देखते हैं कौन कितने बॉल मारता है. तो आप एक काम करना, मुझे बॉल देते रहना. मैं क्या, आप बॉल क्या, जान दे दें. यही तो चाह रहा था वो, कि किसी तरह टीम बन जाए रकुल के साथ में. हाँ, मुझे इसने 100 रुपए दिए कि तुम जाके यहाँ पर टीम बना लो. चलो चलो, रेडी रेडी, 1 2 3 स्टार्ट. 2 लगी. ओ वाह, रकुल तेरा निशाना बड़ा सही है. ओ मेरा लग ही नहीं रहा यार. रकुल, यार ये गलत बात है. एक सेकंड, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 हमारे 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 22 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 20 22 23 24 25 26 27 28 तो इसी के साथ रकुल होती है विनर. एग्जैक्ट लक्ष्य. एग्जैक्टली. जय माता दी. क्या हाल है सुंडे? क्या बात है यार, बहुत अच्छा लग रहा है. आज मेरे भाई सुपरस्टार जॉन लक्ष्य और द वेरी ब्यूटीफुल रकुल के लिए जोरदार तालियां. ये अक्षय पाजी की 8वीं कॉपी है ये. जब जेरोक्स मशीन में इंक खत्म हो जाती है फिर ये कॉपियां बाहर निकलती. अबे असली नकली से कुछ नहीं होता. खैर एनीवे, मैंने फिल्म देखी, मुझे मजा ही आ गया. क्या बात कर रहे हैं, अभी तो रिलीज हुई नहीं है. अभी तो मैं बच्चन पांडे की बात कर रहा हूँ. क्या फिल्म है, क्या फिल्म है बच्चन पांडे. अभी थिएटर में लगी है, जरूर देखना. उसके बाद सीधा अटैक देखेंगे. अटैक के लिए जोरदार तालियां हो जाए. टू गुड यार, टू गुड. लुक एट द वॉल, लुक एट द वॉल. आज कर ले बेटा, जिस दिन अक्षय पाजी आएंगे ना, आज कर लो जो करना है. ये बाद में. जॉन, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ. जी. ये जो आपकी फिल्म है अटैक, इसमें आप अर्चना जी को एज डायरेक्टर भी ले सकते थे. अरे अटैक में इनका कमाल का एक्सपीरियंस है. उनको कहाँ एक्सपीरियंस है अटैक कैसे? अरे तू एक बार चिल्ड बियर और चखना बोल के तो देख, ऐसा अटैक करेंगी. चिल्ड बियर के नाम पे टाइगर से ज्यादा छलांगे लगा लेती है. खैर, लेकिन इसके जो असली डायरेक्टर हैं, आप काबिले तारीफ हैं बॉस. सच्ची में ये आपकी पहली फिल्म है? पहली फिल्म. और पहली फिल्म में इतने बड़े बड़े स्टार आ गए, एक पिक्चर सुपर हिट होगी, मेरी दुआ है. जय माता दी. <भाई आप। laughs>
यार कपिल एक बात बताऊं हाँ चार सालों में इतने कैरेक्टर किए मैंने हाँ लेकिन इस एटीट्यूड में बहुत मजा आ रहा है यार सोचो इस एटीट्यूड में नकली वाले को इतना मजा आ रहा है तो असली वाले को कितना मजा आता लेकिन एक बात बोलूं जॉन अक्षय सर को मिमिक करने में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या क्या ये वाली टांग में बड़ी ठंड लगती है मेरी पूरी बॉडी नॉर्मल है बस इस पोर्शन में गूज बम्स आ रहे हैं मैं जॉन एक चीज कहना चाहता हूं हाँ कहो 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 हाँ क्या कहना चाहता तू मैं चाहता हूं कि मेरी जो बायोपिक है हाँ वो आप करो एक सवाल पूछना है हाँ पूछिए पैसा कितना देगा तू मुझे प्यार में क्या पैसा होता है यार हमारा ब्रदर है यार कोई रिलेशन ठीक है वी आर फ्रेंड्स वी आर फ्रेंड्स सचिन जब जॉन मैं तेरे प्रोडक्शन में काम करूंगा तब पैसे देना मुझे ठीक है डन डील ठीक है सुंडी अपने को यार अपने आप आने का है आप वैसे 4 बजे क्यों उठते हो हमेशा मैं 4 बजे उठने से तंदुरुस्ती रहती है हेल्थ अच्छी रहती है बॉडी सही रहती है और सच बताऊं हाँ मेरा 4 बजे उठने को मन नहीं करता मेरा भी मन करता है मैं 12-12 बजे उठूं रात भर बिंज वॉचिंग करूं मैं मोबाइल पे मेरा बड़ा मन करता है ऑयली खाने का मैं पता है रात को जब भी निकलता हूं ना पार्टी करने के लिए हाँ। तो ड्राइवर 9 बजे गाड़ी घुमा लेता है कहता है आपके सोने का टाइम हो गया सर एक्चुअली रात को मेरे सोने का नहीं मेरे रोने का टाइम होता है अक्षय जी हम रोइए मत नहीं होना है आओ गले लग जाओ आओ अबे गले लगने के लिए गला होना भी चाहिए जा गले लग जाओ जा गला लेके आ बकवास किए जा रहा तू है कौन बे मैं हूँ राइटर मैंने फिल्म लिखी है फाड़ दे चल फाड़ दे क्या लिखी है अरे फाड़ देगी हमारी फिल्म सारे रिकॉर्ड फाड़ देगी हाँ ऐसी कमाल की फिल्म लिखी है मैंने अबे सड़े हुए टेडी बेयर शक्ल देखी इसकी ये देखो ये राइटर है अभी अमित जी की झुंड आई थी ना इसकी सुन आने वाली है बहुत बकवास किए जा रहा है चल तू राइटर है आई रिस्पेक्ट राइटर चल सुना क्या कहानी है तेरे पास में देखिए अपनी जो कहानी है ये मेरठ की है मेरठ निकल तू चल फुट यहाँ से अबे क्या मेरठ मेरठ लंदन की कोई कहानी लेकर आ मेरठ तो मैं अपने खर्चे पे भी जा सकता हूँ ये क्या बात है बकवास किए जा रहा है अक्षय जी लड़का मेरठ का है तो लंदन में क्या कबूतर पैदा होते हैं लंदन का लड़का रखना क्या बात है अच्छा सुन तेरी दिली इच्छा मेरठ करना है तो तू एक काम कर मेरठ करते हैं तू मेरठ का सेट लंदन में लगवा दे ठीक है चल आगे की कहानी हाँ, सुना आगे अगला जो सीन है इसमें हाँ, हीरोइन जो है हाँ, वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है हाँ, मैं कहूँ इसमें नहीं, इस सीन में आपकी जरूरत नहीं है अब तू बताएगा मुझे क्या अक्षय कुमार की जरूरत है कि नहीं है नहीं है मतलब बच्चन पांडे देखी है तूने ना उसमें बच्चन साहब है ना पांडे साहब है सिर्फ अक्षय कुमार है अक्षय कुमार को इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी आती है बात करता है यार अगला जो सीन है इसमें हाँ। रात के 9 बजे मेरे सोने का टाइम हो गया चल निकल 9 बज गए मेरे सोने का टाइम हो गया चल निकल अरे सर फिल्म में 9 बजे है रात के यहाँ तो अभी 4 बजे है 4 बजे मेरे एक्सरसाइज का टाइम होता एक मिनट चल तू आगे की कहानी सुना चल मुझे हाँ अब क्या ठीक है हाँ। अब आगे जो है यहाँ आगे जो है यहाँ पर होता है आगे अरे आगे जो है यहाँ पे हम भी क्या
यहाँ पे विलन की एंट्री होती है। अबे क्या कर रहा है, शर्म नहीं आती? उठ ले, उठ ले। एक तो इसको उठाने में 3 दिन निकल जाएंगे। उठ, विलन की एंट्री होती है। हाँ। ये क्या बकवास कहानी सुना रहा है यार तू? ठीक है, ये बातें बाद में भी होती रहेंगी। हाँ। आप मुझे बताइए फिल्म के लिए डेट कौन सी दे रहे हैं आप मुझे? डेट एक मिनट रुक जा, अभी रक्षाबंधन आएगी, उसके बाद हाउसफुल 5 आएगी, फिर एक लड़के की रनिंग की वीडियो बड़ी आजकल वायरल हुई, उसकी बायोपिक करनी है। फिर अटैक 2 में जॉन को रिप्लेस भी करना है। सुने, काम कर, 22 चल रहा है ना, तू 23 में आ जा। आज अगले साल नहीं, 3023 की बात कर रहा हूँ बे। 3023 जरा ज्यादा लेट नहीं हो गया? तो ठीक है, 3018 में आ जा तू। ठीक है, फिर मैं जॉन जी के साथ फिल्म कर लेता। नहीं नहीं, मैं हूँ ना सर। अरे सर, मैं हूँ ना। अरे सर, मैं हूँ ना। अब मेरी एक्सरसाइज का टाइम हुआ है। अरे सर, मेरी बात तो सुनो। सर, मेरी बात तो सुनो। अरे सर, नहीं 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 सर, क्या है, क्या है? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ फिल्म में, मुझे ले ले। हाँ, मैं तेरी इज्जत के बहुत करीब हूँ, बता रहा हूँ। डन डन डन, हाँ? मैं ले रहा हूँ, ले रहा हूँ आपको फिल्म में, ले रहा हूँ। ले रहा है फिल्म में, मैं आपको फिल्म में ले रहा हूँ। हाँ ठीक है। ये जिस दिन अक्षय पाजी ने देखा ना ये वाला एक्ट, हाँ तो मैं नहीं हूँ इसमें, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारा भी नहीं, मेरे को नहीं पता था आप ये करने वाले हो। हाँ तो इसमें क्या हो गया, हम कौन से पुष्पा हैं जो झुकेंगे नहीं? अरे हमको तो अपने खुद के मामा ने इतना झुका के रखा हुआ है, हम झुक जाएंगे। अबे सुन, हाथ जोड़ अभी। किस लिए? चल झू चल के माफी मांगते हैं उनके पास में। मेरे दोस्त, मेरे भाई की पिक्चर, आप तीनों को बहुत बहुत बधाइयां, सुपर हिट होंगी, जय माता दी, देखना। जय माता दी। आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा किया। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू गाइस। हेलो जी, क्या हाल चाल? कहाँ से आए? पंजाब से आए हो? कनाडा से आए हो? पंजाबी हो गया। आप इतनी दूर से आए, हम खुद ही आ रहे हैं कनाडा अगले एक दो महीने में। मेरा नाम मोनी फुल है। वो मैंने कहा आपको पहले जान पहचान कर लूं, फिर वहां से मेरे को औखा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा होती है, फिर सारे कहते पीछे जाओ पीछे जाओ। नहीं नहीं, इसीलिए आ गई मैं आपसे पहले जान पहचान। नहीं बड़ी, अब मैंने ऐसे दुपट्टा इतना खूबसूरत लिया हुआ है, सूट इतना बड़ी प्यारी लग रही है। जान पहचान के बाद क्या करना है आपने? क्यों, मेरा सपना था कपिल को मिलने का। शुक्रिया जी, मैं बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद। आपको परमात्मा लंबी लंबी उम्र दे, आपको गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सही बात है, वहाँ पे कनाडा में जितने लोग हैं ना, वो जब आपका शो आने के पहले आधा घंटा पहले सब काम निबेट के तो बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि अब हमें रिलैक्स हो गया, अभी जो दर्द थी सारी दूर होगी, जो थकावट थी वो भी दूर होगी। तो इतने इतने बड़े स्पीकर मेरे हस्बैंड ने लगाए हुए हैं, जब वो हंसते हैं तो कहते हैं अगर मैं जाऊंगा तो अर्चना जी के साथ कॉम्पिटिशन करूंगा, इतना हंसते हैं वो। अच्छा, मैंने रिकॉर्ड किया, फिर कभी सुनाऊंगी। उसके बाद आए नहीं आपके साथ? नहीं आए, वो आए थे। अच्छा जी। मेरे से पहले चले गए, बाहर चले गए। फिर आपको छोड़ नहीं तो नहीं आया सीधे। बहुत अच्छा लगा मैम, शुक्रिया मोहिनी जी, धन्यवाद। थैंक यू। जॉन का एक डायलॉग है कि दो दिन जो होते हैं सबसे खास होते हैं, वो दिन बड़ा सबसे खास होता है जिस दिन हमें ये पता चल जाता है कि हमारा दुनिया में जन्म क्यों हुआ है। अच्छा, तो कितने लोगों को यहाँ पे पता है कि उनका जन्म क्यों हुआ है? बहुत बहुत स्वागत है सर, क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार जी। गुलशन जी, गुलशन जी, आप मोहिनी जी को जानते हैं? ये जो बगल में बैठे हैं आप, बगल में बैठने का मतलब जानना थोड़ी होता है। तो फिर जब वो बातें कर रही थी तो आप देख के मुस्कुरा क्यों रहे थे, शर्मा क्यों रहे थे आप? वो तो इनकी खूबसूरती देख रहा था मैं। हे मोहिनी, साथ में तो ये भी बैठे हैं। ये आपके साथ आए हैं? हाँ, 35 साल से मेरे साथ हैं। वाह यार, बड़े इनके देखो आप, छोटी छोटी लाइन ठक ठक मार रहे हैं सर। बड़ा मजेदार बात करते हो आप, और कुछ सुनाओ। कुछ सुनाना है कि मैं पैदा तो होना ही नहीं चाहता था। अच्छा। क्यों? लेकिन लोगों ने सोचा कि परिवार बढ़ाना है, हाँ,
तो मेरे जो लोगों ने क्या आपके माता पिता ने सोचा हाँ माता पिता ने अच्छा तो मैं तो पैदा बाद में हुआ ना वो तो पहले सोच चुके थे तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो पैदा हो ही जाते हैं अच्छा इतना मेरा जो जन्म हुआ ना मेरे भाई से 14 साल बाद हुआ अच्छा ऐसा ही परिवार के साथ आगे चली थी जो मेरा पोता है अच्छा जी वो 14 साल का है अच्छा जी अब उसका भाई हुआ है 1.5 साल का अच्छा जी वो भी 14 साल के बाद ही हुआ तो ये आपको रिफिल होने में 14 साल लगते हैं थैंक यू आप बड़े प्यारे हैं सर जी आपका नाम क्या है वही पहले वाला जो बताया था गुलशन कुमार बड़ा मजा आया आपकी बातें सुन के कहाँ से आए हो आप मैं हीरा का डैडी हूँ किसका ओए होए ओए आपको तो मैं मिला हुआ हूँ पहले अरे मैंने तो कई बार मिलने की कोशिश की है आप ही भूल जाते हो मुझे जेंट्स याद नहीं रहते जेंट्स वाला मेरा ना थोड़ा खराब है पर आंटी मैं आपको चलो अब तो घर के ही हैं हमारी टीम में ही हैं हीरा जी उनके पिताजी हैं बड़े ह्यूमरस है यार वाव पर ये मोहिनी जी को बहुत देख रहे थे ऐसे मैंने बताया आपको ये चमकने वाली चीज होगी तो देखेगा ही अब घर जाके इनकी चमक निकालो थोड़ी सी जरा सर जी बड़े प्यारे हो आप मजा आ गया आपकी बातें सुन के धन्यवाद जो मैं आई थी वेरी निबरस हां वेरी आप भी हमारे हिंदुस्तान की जान हो थैंक यू सर जी आपके प्यार के लिए शुक्रिया ये पीछे भाई साहब एक और है उन्होंने भी हाथ खड़ा किया था क्या नाम है आपका धर्मेश नाम है सर ये बाल आपने तलवार से काटे हैं कैसे सर जो आपका सवाल था कि मींस क्यों पैदा हुए जी पता चल गया आपको वहां पे आके बता सकता हूं नहीं मैं करके दिखाऊंगा कि मैं क्यों पैदा हुआ अच्छा अरे वाह आइए प्लीज करके मतलब करके, करके कैसे पैदा हो के कैसे दिखाएंगे स्टेज क्यों पैदा हुआ कुछ कलाकार है ये पक्का जो कॉन्फिडेंस है ना आई थिंक ही इज गोना डांस डांसर हो आप यस सर आई एम अ डांस कोरियोग्राफर आई कुड मेक आउट ऐसे ऐसे नेपाल से आया हूं अच्छा वाह बहुत-बहुत स्वागत है आपका नेपाल में आपका सर बहुत शो देखता हूं थैंक यू ब्रदर थैंक यू और मेरा ड्रीम था कि मुझे इनसे मिलना था वेरी गुड स्वीट एक्चुअली मैं जब डांस करता था तो बहुत लोगों ने बोला कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा 2015 में जब मैं गोवा आया पंजिम में तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन था और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करके सेकेंड प्राइज लिया था तो उस दिन मुझे पता चला कि आई बॉर्न फॉर डांस तो बहुत लोगों को लगता है कि मीन्स अलग अलग फॉर्म्स होते हैं डांस के मैं जो स्टाइल करता हूँ ना उसका नाम है लिरिकल आई एम अ वर्ड प्ले आर्टिस्ट अच्छा जी क्या मैं आपको एक थोड़ा करके प्लीज प्लीज दिखाइए थैंक यू सर ये टैटू के किसी ने नाखून मारे हैं ये टैटूज है एक्चुअली मेरे बॉडी पे 30 टैटूज है तो इनकी मूवी में भी इसके बॉडी पे भी 80% टैटूज है किसके सर वेंकी वेंकी पूरे बॉडी पे टैटूज है मैंने आपके लिए एक टैटू बनाया है आपको बहुत गर्ल्स पसंद करती है तो मैंने आपके लिए एक लिप्स बना के लिए ये यहाँ पे क्यों बनवाया आपने एक्चुअली मैंने बहुत लड़कों को देखा सब यहाँ बनाते हैं कोई यहाँ बनाता है तो क्यों कॉपी करना यूनिक बनाओ कुछ नए जगह पे वाह जगह तो और भी खाली होगी काफी थैंक यू सर म्यूजिक बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेश हमारे शो में आने के लिए थैंक यू सो मच सर धन्यवाद आई एम अ बिग फैन थैंक यू धन्यवाद और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब माइक दे दीजिए भाई साहब को हेलो एवरीवन कपिल जी जैसे आपने जो क्वेश्चन किया तो मैं बेसिकली नैनीताल उत्तराखंड से हूँ अच्छा जी और अर्चना जी के पड़ोसी निकले आप जी हेलो मैम तो जब उत्तराखंड में उत्तराखंड की सर्द हवाओं में कभी कई बार क्वेश्चन होता था कि मैं पैदा क्यों हुआ कौन करता था ये क्वेश्चन हवाएं पूछती थी वहाँ की कि भाई उत्तराखंड में 68% जो लोग हैं ज्यादातर डिफेंस में ही होते हैं जी तो लकीली मैं आर्मी में गया और वेलकम सर और एक शुरू से ही एक सपना था कि डिफेंस में जाकर के देश के लिए कुछ करेंगे देश से पहले तो खैर डेफिनेटली एक सामान्य परिवार से था तो खुद के लिए कुछ करने की बात थी जी बट डिफेंस में कुछ साल निकाले तो कारगिल से थोड़ा पहले हमारे ऊपर एक अटैक हो गया था अच्छा जी
अम्बुश बोलते हैं उसको वैसे आर्मी में, अम्बुश, तो बहुत सारी गोलियां इधर से उधर से बहुत सारे अभी भी बॉडी के अंदर हैं। अरे तो जब पांच छह लोग थे हम, मतलब ऑलमोस्ट इस पार या उस पार की सिचुएशन में थे, उस समय महसूस हुआ कि इसलिए पैदा हुआ कि देश के लिए कुछ किया। क्या बात है, सो प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। तो हमारा, मैं आपका शो देखता हूँ और मेरे ख्याल से पूरी डिफेंस आपका शो देखती है, और एक तरह से हेड्स ऑफ जो आप यहाँ पे करते हैं वो हमारे लिए पेट्रोल है एक तरह से वहाँ पे। और जो आप कर रहे हैं वो तो हम सोच भी नहीं सकते। और सल्यूट है सर आपको और हमारी पूरी आर्मी को। थैंक यू सर, आप लोग हैं तो हम सब भी ये कर पा रहे हैं। ऊपर आ सकते हैं दो सेकंड? आप बिल्कुल बिल्कुल आइए, प्लीज 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 प्लीज। तो कमें कपिल जी, कमें तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, एंड दिस इज अ फैक्ट, हम लोग रियल लाइफ हीरो है, ये एक रियल लाइफ हीरो है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि भले हम रियल लाइफ हीरो हैं बट इंस्पिरेशन यहीं से आती है, तभी हम लोग छाती में गोली खाने के लिए फ्रंट में रहते हैं। सो प्लीज डोंट गो फॉर द बॉडी हाइट, द डिफेंस पीपल मतलब वो देखिए बॉडी हाइट से कुछ नहीं होता है, आप जो काम करते हो ना दैट्स फार मोर अट्रैक्टिव एंड बेटर देन व्हाट आई डू। ओके थैंक यू, धन्यवाद सर जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। सर जी शुक्रिया, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू, दिस इज रियली ब्रेव, अनबिलीवेबल जी। और कोई हमारे दोस्त? जी जी सर, माइक दे दीजिए सर को। नमस्ते कपिल जी। नमस्कार सर, वेलकम। मैं एक रोटरी क्लब की तरफ से आया हूँ, मैं रोटरी क्लब का बम्बई का गवर्नर हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत। हम एक आज मैं और मेरी टीम ऑर्गन डोनेशन और अवेयरनेस से क्या फायदा होता वो बताने को आए हैं। आज जब एक इंसान मर जाता है और आप उसकी आंख अगर डोनेट कर देते हो 6 घंटे में, वो आंख जिंदा रहेगी दूसरे शरीर में। कितनी अच्छी बात है। राइट, आप अगर एक ब्रेन डेड बॉडी का हार्ट डोनेट कर देते हो वो दूसरी शरीर में धड़केगा। ऐसे ऑर्गन डोनेशन जब कोई इंसान करता है तो उसके 9 अंग 9 ऑर्गन 9 जने की जान बचा सकते हैं। वाह, हमारी टीम पीछे साथ में बैठी है पूरी, वेरी गुड, और हम ये रोज काम कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं आप लोग। सर ये बड़ा पुण्य का काम है, जैसे सर ने भी कहा कि जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो हम उनका क्या करेंगे, अगर हमारे ऑर्गन से किसी की जान बचती है, किसी के अंदर दिल धड़कता है, तो इससे खूबसूरत बात मुझे नहीं लगता कोई और हो सकती है। और मुझे लगता है कि आपकी बातें सुन के, आपकी संस्था के बारे में सुन के और भी लोग आगे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आइए भाई, आइए रकुल, लक्ष्य, जॉन, रकुल, लक्ष्य, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आप लोग आए, बड़ा मजा आया आपसे बातें करके, हमेशा ही आता है। और एक बात मैं और कहनी चाहूंगा, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वाओ! और दोस्तों आप सबसे अनुरोध है, बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।